आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। स्वच्छता व सौंदर्य का प्रतिमान बने गोड़धोइया नाला, सीएम योगी ने किया गोड़धोइया नाला का निरीक्षण। कहा नाले के अंतिम छोर पर बनाए छोटा तालाब व वाटर स्पोर्ट्स बॉडी, नाले में कूड़ा न फेंकने के लिए नागरिकों को किया जाए जागरूक। नाले के दोनों किनारे पर बोल्डर पिचिंग व दोनों तरफ बनने वाली सड़क पर पौधारोपण कराने के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के ऊपर एटीएस ने लगाया यूएपीए। मुर्तजा को एटीएस ने शनिवार को रिमांड खत्म होने के बाद गोरखपुर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने मुर्तजा अब्बासी को भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल। कोर्ट ने केस को लखनऊ एनआईए कोर्ट में किया ट्रांसफर। अब एनआईए मुर्तजा केस की करेगी जाँच व एनआईए कोर्ट करेगी सुनवाई। अगले सत्र से शुरू हो जाएगी गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई। सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा निर्धारित समय सीमा मार्च 2023 तक हर हाल में पूर्ण करें निर्माण। दिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही सरकार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ज्योतिष व आयुर्वेद का है परस्पर गहरा संबंध। आयुर्वेद व ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने को खोले जा रहे हैं नए संस्थान। गोकसी के लिए ले जा रहे 27 गौवंश को चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया बरामद। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। अंतरजनपदीय मोबाइल पर्स चैन लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 6 मोबाइल, मंगलसूत्र व लॉकेट किया बरामद। सीओ कैंट ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा अधिकतर मामले आए पुलिस व भूमि विवाद से संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर 1 हफ्ते में निस्तारण के दिए गए निर्देश। महिलाओं में जागरूकता के लिए मिशन शक्ति अभियान के 4th फेज के तहत एसपी क्राइम की अध्यक्षता में एक मॉल में कार्यक्रम आयोजित कर डायल 112 वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में महिलाओं को दी गई विस्तृत जानकारी। साइबर क्राइम से बचाव के लिए किया गया सतर्क। कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में निकाली गई भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे हिंदुस्तान में निकाली जाती है भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा। नगर निगम के कार्यकारिणी समिति की 20वीं व 21वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया नगर निगम का पुनरीक्षित बजट। सर्वसम्मति से आगामी नगर निगम के सदन की बैठक में प्रस्ताव प्रेषित करने पर बनी सहमति। आग की वारदातों को देखते हुए फायर विभाग पूरी तरह से है सतर्क। मॉक ड्रिल कर आग से बचने के तरीके की दी जा रही है जानकारी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा आग से बचने की सतर्कता का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में कैरियर इन काउंसलिंग की कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा किस तरह से छात्र एवं छात्राएं बना सकते हैं अपना कैरियर, इस पर हुई चर्चा। और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा हनुमान जी हैं प्रत्यक्ष देवता, इनका पूजन करने से सबका होता है कल्याण।